भव्य बिश्नोई ने हरियाणा बजट के लिए भेजे गयी सुझाव, बजट में आदमपुर से संबंधित मांगों के लिए सीएम को लिखा पत्र। उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी नया कानून, पकड़े जाने पर 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना। मुरादाबाद में बिहिप नेता को गोली मारी, मोहन भागवत के बयान को लेकर हुआ था विवाद। बाई20 में इंडोनेशियाई नेता को भाया अनुराग ठाकुर के काम करने का अंदाज, युवा नेताओं के लिए जताया आदर्श। तुर्किया सीरिया में मृतकों का आंकड़ा 28,000 के पार, मलबे में जिंदा मिला 10 दिन का नवजात। सड़क की हालत खराब, ट्रेन से करनी पड़ेगी यात्रा, सीएम स्टालिन ने गडकरी को लिखा पत्र। पाकिस्तान में ईशा निंदा के आरोप में व्यक्ति की निर्मम हत्या, हिंसक को भीड़ ने निर्वस्त कर आरोपी को बेरहमी से मारा। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी, हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी। एमपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली देखिए, बीमार पिता को ठेले पर अस्पताल लेकर गया 6 साल का बेटा, नहीं मिली एम्बुलेंस। महाराष्ट्र जेल से रिहा होने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे अनिल देशमुख, बोले मुझे झूठे मामलों में फंसाया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।